हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टोरी अंडरलाइन। आज हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर बात करने वाले हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स जो आए थे 1992 में। थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ। सो आपको याद होगा, हमने बीओपी पढ़ा था। बीओपी में हमने देखा था कि इंडिया का इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या था उस क्राइसिस में। इंडिया प्लेज द गोल्ड ऑफ आरबीआई विद बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड स्विट्जरलैंड एंड इट ऑल्सो निगोशिएटेड अ डील और लोन विद आईएमएफ ऑफ 3.5 बिलियन डॉलर्स। आईएमएफ ने कुछ कंडीशंस रखी इंडिया के सामने जो इम्प्लीमेंट हुआ इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम देखने वाले हैं। दो स्टेप्स लिए गए थे, दो ब्रॉड स्टेप्स लिए गए थे, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे। माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और पर्टिकुलर कमोडिटी और इंडिविजुअल सेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रखिए, 1994 तक के जो टेलीकॉम सेक्टर था, इट वॉज अंडर गवर्नमेंट्स कंट्रोल। हमको बहुत सारी इनएफिशियंसीज दिख रही थी जिसके कारण, सो गवर्नमेंट रिमूव्ड दिस इनएफिशियंसी बाय चेंजिंग द स्ट्रक्चर टू मार्केट बेस्ड कंपटीशन बाय इंट्रोड्यूसिंग प्राइवेट सेक्टर। ऐसा ही केस आप स्टील में भी देख सकते हैं। स्टील हैड एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म, इसका मतलब था कि गवर्नमेंट फिक्स करती थी प्राइस को। और उसके कारण इन्वेस्टर्स जो थे वर नॉट एनकरेज्ड। सो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उसको कर दिया जाएगा अब मार्केट बेस्ड और मार्केट डिटरमाइंड प्राइस में। पहले क्या था स्टील में, एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म, गवर्नमेंट फिक्स करती थी प्राइस को। उसके कारण इन्वेस्टर्स वे आर नॉट एनकरेज्ड, सो गवर्नमेंट ने उसको चेंज कर दिया मार्केट डिटरमाइंड प्राइस में। और अब हमको देखने को मिलता है स्टील में जो 1991 में 6 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हुआ करता था, वो अब 2020 में 106 मिलियन टन्स का हो चुका है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, इसका मतलब होता है कंट्रोलिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइजिंग ग्रोथ। सो सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप इज फिल्ड बाय फॉरेन सेविंग्स अट्रैक्टेड इनटू अ कंट्री थ्रू एफडीआई। तो आप याद रखें, एफडीआई को हम यूज कर सकते हैं टू फिल सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप। कंट्रोलिंग फिस्कल डेफिसिट ऑटोमेटिकली हेल्प्स इन कंट्रोलिंग करेंट अकाउंट। वाई? बिकॉज आवर रिसोर्सेज विल बी मेट बाय आर ओन सेविंग्स। सो कंट्रोलिंग फिस्कल डेफिसिट ऑटोमेटिकली हेल्प्स अस इन कंट्रोलिंग करेंट अकाउंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स की। एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की बात करते हैं। लिबरलाइजेशन मीन्स सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स अलॉन्ग विथ रिलैक्सेशन इन कंट्रोल्स बाय गवर्नमेंट। लिबरलाइज कर देना, सिंप्लीफाई कर देना और रिलैक्स कर देना कंट्रोल को। इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन, रिमूविंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। 1992 में रिमूव कर दिया गया था लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन लाया क्यों गया था अगर ये कोई पूछता है, तो इसका यही जवाब है कि देवर मेकिंग रूल्स टू फैसिलिटेट बिजनेस एंड प्रमोट मोर ट्रांसपेरेंसी। पॉलिसीज ला रहे थे टू रिमूव रिस्ट्रिक्शंस। सो इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन क्यों लाया गया था, कुछ रिमूव करने थे रिस्ट्रिक्शंस और रूल्स बनाने थे टू फैसिलिटेट बिजनेस और प्रमोट बिजनेस एंड प्रमोट मोर ट्रांसपेरेंसी। सो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन के नाम पे रिमूव कर दिया गया था, रिमूविंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। इट वॉज डन फॉर एवरीवन एक्सेप्ट फॉर 5 इंडस्ट्रीज, एल्कोहल, सिगरेट, हजार्डस केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोस्पेस एंड डिफेंस ऑर्डिनेंसेज एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स। ये 5 इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सब में लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट रिमूव कर दी गई थी। लाइसेंसिंग वॉज रिप्लेस्ड बाय सिस्टम ऑफ परमिशन बेस्ड ऑन फ्यू कंडीशंस। इसके कुछ एडवांटेजेस थे सिस्टम ऑफ परमिशन के, जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता कि कब वो एंटर करेंगे, प्रमोट करता है फर्म्स को टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट प्लस इंक्रीजिंग एफिशिएंसी।
और क्या क्या चीज़ें थी? रिड्यूसिंग नेपोटिज्म। सो ये कुछ चीज़ें थी जो फ़ायदे थे सिस्टम ऑफ परमिशन के। गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी कौन एंटर करता है, कौन एग्जिट करता है। इट प्रमोट्स फर्म्स टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। रिड्यूस नेपोटिज्म। और कुछ याद रखना है तो रेंट सीकिंग याद रख सकते हैं, रेंट सीकिंग भी कम हो गई। इनएफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज जो होते थे वो भी कम हो जाएंगे। रिमूविंग एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन टू प्रोड्यूस फॉर पब्लिक सेक्टर्स एक्सेप्ट फॉर थ्री इंडस्ट्रीज, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक मिनरल्स एंड रेलवे सर्विसेज। रेलवे सर्विसेज में आप याद रख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर वॉज टू कोलैबोरेट विथ पब्लिक सेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे तेजस ट्रेन आप याद रख सकते हैं। इट वॉज नॉट एक्सक्लूसिव प्राइवेट कंट्रोल बट इट कैन ओनली रन इन कोलैबोरेशन विथ इंडियन रेल कॉरपोरेशन। ऑब्जेक्टिव क्या था डी रिजर्वेशन का? इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन विच विल लीड टू एफिशियंसी एंड इंक्रीज सप्लाई। रिमूविंग एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर्स इन इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट, शुगर, स्टील। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हैं 1991 में स्टील का जो प्रोडक्शन था वो था 6 मिलियन टन्स और 2020 में ये हो गया 106 मिलियन टन्स। क्यों? रिमूविंग एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस में काम किया गया, सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। पहले क्या था, पब्लिक सेक्टर को बोला जाता था कि आप पब्लिक सेक्टर से ही रॉ मटेरियल्स अपने लो। रिमूविंग रेस्ट्रिक्टिव लॉज लाइक एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट का फुल फॉर्म क्या था? मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये आया था 1969 में, बहुत पुराना था है ना। एमआरटीपी एक्ट इट वॉज रिप्लेस्ड बाय कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002 और 2009 में सेटअप किया था कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन 2009। सो एक बार मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बता देता हूँ एमआरटीपी एक्ट के, या फिर इम्पॉर्टेंट नहीं है हम आगे बढ़ सकते हैं। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इट वॉज रिप्लेस बाय कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002 और 2009। बट मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। एमआरटीपी एक्ट आइडेंटिफाई करता था दो टाइप के मोनोपोली, नेशनल मोनोपोली और प्रोडक्ट मोनोपोली। नेशनल मोनोपोली में मैनी कमोडिटीज़ आ जाते हैं विच फर्म प्रोड्यूसेस। प्रोडक्ट मोनोपोली में सिंगल कमोडिटी आ जाता है विच अ फर्म प्रोड्यूसेस। इसमें था क्या, इसमें था क्राइटेरिया अगर आप इन्वेस्ट करते हो 20+ करोड़ से, और इसमें था 3 करोड़ एंड मोर देन 25% ऑफ सेल्स। ऐसे टाइप का कुछ कंसेप्ट है। नेशनल मोनोपोली में ऑल बिजनेस एंड बिजनेस फर्म्स विच प्रोड्यूस मैनी कमोडिटीज एंड हैड इन्वेस्टेड ग्रेटर देन 20 करोड़। प्रोडक्ट मोनोपोली में क्या था, ऑल बिजनेस फर्म्स विच प्रोड्यूसेस सिंगल कमोडिटी एंड इन्वेस्टेड ग्रेटर देन 3 करोड़ एंड कंट्रोल्ड मोर देन 25% ऑफ सेल्स इन द मार्केट। सो बात ये थी कि इफ एनी फर्म्स वर क्लासिफाइड इन एनी ऑफ दिस टू कैटेगरीज दैन दे हैड टू सीक परमिशन फ्रॉम MRTP कमीशन। MRTP कमीशन से उसको परमिशन लेना होता था। सो फर्म्स वेर वरीड अबाउट गेटिंग क्लासिफाइड इन एनी ऑफ द इधर कैटेगरी, सो दे स्टार्टेड कि चाहे या तो वो ये सोच लेते थे कि हम अब ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे, या तो हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हम ग्रो करेंगे तो रिपोर्ट नहीं करेंगे, या तो इधर द फर्म्स वुड नॉट ग्रो और दे विल ग्रो बट विल नॉट रिपोर्ट। सो यही दो प्रॉब्लम्स आ रही थी MRTP एक्ट में कि फोरम स्टॉप्ड इन्वेस्टिंग आफ्टर अ पॉइंट, सो इट वॉज रिप्लेस बाय कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002 और 2009 में CCI आ गया था, आपको याद होगा, तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया विच वॉज सेट अप इन 2009।
कुछ एडवांटेजेस होंगे कंपटीशन एक्ट के। सो पहला एडवांटेज, इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा एडवांटेज क्या था, इट प्रमोट्स बिजनेस, ये याद रख लो। और क्या हो सकता है, ज्यूरिसडिक्शन जो था ओवर एमएनसी वो सीसीआई को मिल गया, ज्यूरिसडिक्शन ओवर एमएनसी। जो भी डिसीजन होगा कंपटीशन कमीशन का, दैट कैन बी अपील्ड इन एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ठीक है, हम क्या देख रहे थे, कुछ एडवांटेजेस ऑफ कंपटीशन कमीशन या कंपटीशन एक्ट ओवर एमआरटीपी। क्या क्या हमने देखा, इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इट प्रमोट्स बिजनेस, इट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर मल्टीनेशनल कंपनीज, इट्स डिसीजन कैन बी अपील्ड इन एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट हम देखते हैं, सो ये हमने देख लिया एमआरटीपी एक्ट, और हमने देखा कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेट अप इन 2009। ये देख लेते हैं, ये लिखा ही हुआ है ज्यूरिसडिक्शन ओवर एमएनसी, डिसीजन कैन बी अपील्ड इन एनसीएलटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम देखते हैं उदय कोटक कमिटी के कुछ रिकमेंडेशन, सीएसआर बोर्ड विथ थ्री डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच वन शुड बी इंडिपेंडेंट, ये सब हम पढ़ रहे हैं अंडर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उदय कोटक कमिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सीएसआर बोर्ड विथ थ्री डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच वन शुड बी इंडिपेंडेंट, डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर्स विथ मोर देन 2% ऑफ शेयर्स पब्लिश्ड ऑन कंपनीज वेबसाइट, रिपोर्ट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी वेयर दे विल टेक डिसीजंस नॉट ओनली फॉर द प्रॉफिट ऑफ प्रमोटर्स बट ऑल्सो डिसीजन विल बी टेकन फॉर द प्रॉफिट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स। 50% इनडायरेक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, रिपोर्ट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर्स विथ मोर देन 2% ऑफ शेयर्स विल बी पब्लिश्ड ऑन कंपनीज वेबसाइट। सी एस आर बोर्ड विथ थ्री डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच वन शुड बी इंडिपेंडेंट, उदय कोटक कमिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपको ये चीज़ याद रखनी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी एस आर, जिसका भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा 2 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्न ओवर होगा 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, सो उसको 2% ऑफ इट्स प्रॉफिट अलग करना पड़ेगा फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस इतना ही है। नेक्स्ट इज फेरा। फेरा 1973 वॉज रिप्लेस्ड बाय फेमा 1999, फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फॉरन फर्म्स वेयर अलाउड टू होल्ड 100% ऑफ शेयर्स इन डोमेस्टिक फर्म्स। पहले क्या था, फॉरन फर्म्स वेयर नॉट अलाउड टू होल्ड मोर देन 40% ऑफ शेयर्स इन डोमेस्टिक फर्म्स, अब क्या हो गया 100% शेयर्स। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स वेयर अलाउड, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स वेयर अलाउड विच अनेबल्ड इंडियन कंपनीज, जो इंडियन कंपनीज थे वो अब बाय कर सकते हैं फॉरेन फर्म्स, दे कैन गेट चीपर लोन्स, दे कैन पे फॉर द इंपोर्ट, है ना, ये सारी कुछ चीजें थी। क्यों हो गई, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स वेयर नाउ अलाउड। पहले क्या था, नो फॉरेन बोरोविंग्स, इसके कारण क्या हो रहा था, हवाला ट्रांजैक्शन। ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स पहले अंडर 1973 फेरा एक्ट वॉज नॉट अलाउड, नो फॉरेन बोरोविंग्स, नो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स, जिसके कारण प्रमोट हो रहा था हवाला ट्रांजैक्शन। उसके बाद हम देखते हैं, एक्सपोर्टर्स कैन कीप देयर अर्निंग्स अब्रॉड फॉर अप टू नाइन मंथ्स। पहले अंडर 1973 फेरा में क्या होता था कि ज्यादा से ज्यादा 3 वीक्स के अंदर आप अपने पैसे वापस ले आओ, या लेटर इट वॉज एक्सटेंडेड टू 8 वीक्स। अकाउंट ट्रांसफर्स वॉज एक्सटेंडेड टू $250,000 पर एनम, $250,000 पर एनम। अंडर 1973 फेरा इट वॉज जस्ट $1,500, जस्ट $1,500। नेक्स्ट, फिस्कल लिबरलाइजेशन, टैक्स रेशियो वेयर रिड्यूस्ड फॉर बोथ इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। जीएसटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू सिंप्लीफाई इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, है ना। और क्या क्या चीजें हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रूल्स कम कर दी गई है, सब्सिडीज को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया गया है, कैसे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, डीबीटी, आपको याद होगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, फिस्कल लिबरलाइजेशन और फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं।
फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स, टैक्स रेशियो रिड्यूस फॉर बोथ इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी हैज बीन इंट्रोड्यूस टू सिंप्लीफाई इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया गया है और जो सब्सिडीज हम देते हैं उसको ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया गया है। एक्सटर्नल मार्केट लिबरलाइजेशन, एक्सचेंज रेट रिफॉर्म्स लाए गए थे, एक्सचेंज रेट रिफॉर्म, इसको आप एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स भी बोल सकते हैं। इसके अंडर लाया गया एक्सचेंज रेट रिफॉर्म, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एंड गवर्नमेंट रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटी। एक्सचेंज रेट रिफॉर्म के अंदर हमको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड LERMS, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम इन मार्च 1992। इसमें क्या हुआ, 40% ऑफ फॉरेन करेंसी ब्रॉट इन टू इंडिया वॉज कन्वर्टेड इन टू रूपी ऑन मार्केट रेट, 40% मार्केट रेट में कन्वर्ट किया जाएगा और 60% ऑफ करेंसी ऑन गवर्नमेंट फिक्स एक्सचेंज रेट में, गवर्नमेंट रेट फिक्स एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट किया जाएगा 60% और 40% ऑन मार्केट रेट। मार्च 1994 में इंडिया शिफ्टेड एंटायरली टू फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ये हमने सेकेंड वीडियो में कवर किया था फॉरेन एक्सचेंज के टॉपिक पर, आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं वो वाला वीडियो। सो क्या हुआ, जो भी करेंसी आएगी अब इंडिया में वॉज कन्वर्टेड इन टू रूपी एट मार्केट एक्सचेंज रेट। LERMS के अंदर 40% जो करेंसी थी वो मार्केट रेट में कन्वर्ट होती थी और 60% गवर्नमेंट फिक्स एक्सचेंज रेट में। और 1994 से जैसे ही इंडिया शिफ्टेड एंटायरली टू फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और अब क्या हो गया, जो भी हम फॉरेन करेंसी लाएंगे विल बी कन्वर्टेड इनटू रूपी एट मार्केट एक्सचेंज रेट। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, इसका मतलब होता है फ्रीडम ऑफ ब्रिंगिंग फॉरेन एक्सचेंज इनटू अ कंट्री और टेकिंग इट आउट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। इंडिया फॉलोज पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इंडिया फॉलो करता है। अगर कुछ बेनिफिट्स अगर मैं आपको बताऊं फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के, सो कुछ बेनिफिट्स हो जाएंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लो बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा BOP इम्प्रूव होगा हमारा, है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आएंगे हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आएंगे, BOP सरप्लस होगा, इम्प्रूव्स BOP सरप्लस, इन्वेस्टमेंट फ्लो बढ़ेगा, है ना, मोर इन्वेस्टमेंट फ्लो विल क्रिएट मोर कैपिटल गुड्स, इन्वेस्टमेंट फ्लो बढ़ेगा सो मोर कैपिटल गुड्स, इससे क्या होगा कैपिटल गुड्स बढ़ेंगे सो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस भी बढ़ेगा, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस भी बढ़ेगा, इट विल एनकरेज मोर फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन यूनिट भी बढ़ेंगे। सो इससे क्या होगा हमारी एक्सपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ेगी। सो क्या देखा, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होने से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लो हमारा बढ़ेगा, BOP सरप्लस होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास ज़्यादा आएंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा तो कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस और कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ेगी। सो उससे क्या होगा, एनकरेज, इट विल एनकरेज मोर फैक्ट्रीज, इट विल लीड टू मोर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा हम एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करेंगे। सो हमने देखा फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के कुछ बेनिफिट्स, बट टुडे इंडिया फॉलोज पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी वेयर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोथ FDI एंड FII आर अलाउड बट विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, इंडिया फॉलोज पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भी आएंगे थ्रू FDI और FII आर अलाउड बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, आगे हम उसको भी कवर कर लेंगे। उसके बाद हुआ गवर्नमेंट रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटी, हमने सबसे पहले देखा था 300% लगता था, उसके बाद 150 इन 1991, रिड्यूस्ड फर्दर 230% इन मार्च 1993 एंड देन फर्दर टू 16% नाउ। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन रिमूव्ड कम्प्लीटली बाय 2001 फॉलोइंग द WTO रूल्स। WTO कहता है करंट अकाउंट जिस कंट्री का भी is less than 1.5% of GDP for 3 consecutive years, they cannot implement quantitative restrictions.
ये भी आप याद रखें कि इंडियन प्रोड्यूसर्स प्रोटेक्शन वॉज टेकन अवे बाय रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी बट प्रोटेक्शन वॉज गिवन बाय इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट. प्रोटेक्शन वॉज गिवन बाय इंक्रीजिंग फॉरन एक्सचेंज रेट. आप एक और बात याद रखें, अगर हम अपनी इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर रहे हैं सो हम अपनी करेंसी को डिवैल्यू भी करते हैं या डेप्रिशिएट भी करते हैं. नेक्स्ट है मनी लिबरलाइजेशन, एग्रीकल्चरल लिबरलाइजेशन. फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है? इट इम्प्लाइज कीपिंग अ फोकस ऑन गवर्नमेंट एक्टिविटीज बाय अश्योरिंग दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज़ यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज शुड बी डन रिस्पॉन्सिबली. इट शुड नॉट बी फॉर पॉपुलिस्ट और वेस्टफुल एक्टिविटीज एंड गवर्नमेंट्स रेवेन्यू जनरेशन, टैक्स कलेक्शन, नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेशन शुड बी वेल प्लान्ड एंड इफेक्टिवली मैनेज. बस मतलब यही है, हमको फोकस करना है गवर्नमेंट एक्टिविटीज पर और अश्योर करना है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज शुड बी डन वेरी रिस्पॉन्सिबली एंड शुड नॉट बी यूज फॉर पॉपुलिस्ट और वेस्टफुल पर्पसेस. एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेटेड, टैक्स कलेक्शन, नॉन टैक्स रेवेन्यू शुड बी वेल प्लान्ड एंड इफेक्टिवली मैनेज. हमको अच्छे से प्लान करके चलना है और मैनेज करके चलना है रेवेन्यू जनरेशन, टैक्स कलेक्शन, नॉन रेवेन्यू जनरेशन, ये सब चीज़ों को. इसको कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन. मनी लिबरलाइजेशन, एग्रीकल्चर लिबरलाइजेशन हम आगे देखेंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट की. सेल ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स. पब्लिक सेक्टर यूनिट्स क्या होते हैं? दे आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट्स. ऑल दोज यूनिट्स ओन्ड बाय गवर्नमेंट. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, All those public sector firms formed under Companies Act. Example के नाम पे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड. यहां पे आपको याद रखना है नो अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में फॉर एनी चेंजेस. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में फर्म्स विच आर फॉर्म्ड अंडर सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एग्जाम्पल LIC एक्ट, और क्या हो सकता है SBI भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं. इसमें इट रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर एनी चेंजेस. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट की. नहीं, यहां पे हम अब देखने वाले हैं पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, प्रोविजन ऑफ ऑटोनॉमी इन पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स. इसका मतलब यह है फ्रीडम टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फ्रीडम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू टेक देयर ओन डिसीजन विदाउट वेटिंग फॉर एनी अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री. MOU साइन हुआ बिटवीन CPSE एंड कंसर्न मिनिस्ट्रीज रिगार्डिंग टारगेटेड प्राइस, आउटपुट, प्रॉफिट, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. सो ये सब हुआ प्रोविजन ऑफ ऑटोनॉमी के अंडर, फ्रीडम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू टेक देयर ओन डिसीजन विदाउट वेटिंग फॉर अप्रूवल, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन CPSE एंड कंसर्न मिनिस्ट्रीज रिगार्डिंग टारगेटेड प्राइस, आउटपुट, प्रॉफिट. और क्या क्या हुआ 1997 में? कंसेप्ट ऑफ नवरत्न, दीज आर पब्लिक सेक्टर कंपनीज इंट्रोड्यूस्ड बाय पी चिदंबरम. देखते हैं मिनी रत्ना के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. उससे पहले आप ये जान लीजिए टर्नओवर का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल इन द मार्केट. नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, जितने भी एसेट होंगे माइनस लायबिलिटीज. और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू From all the sources minus expenditure cost. So, बात कर लेते हैं मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न के बारे में. मिनी रत्न कैटेगरी, ऑल दोज फर्म्स अर्निंग प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 30 crore इन लास्ट 3 years. इनका मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए 300 crore का. वंस क्वालिफाइड मिनी रत्न कैटेगरी 2 में वो सारे CPSEs आते हैं, दोज आर ऑन प्रॉफिट फॉर 3 consecutive years and having positive net worth can invest up to 300 crores. And mini ratn category 1 में अगर वो qualify हो जाते हैं so they can invest up to 500 crore. Mini ratn profit of at least 30 crore in last 3 years, net worth 300 crore,
वंस क्वालिफाइड एज मिनी रत्न कैटेगरी टू दे कैन इन्वेस्ट अप टू 300 करोर एंड वंस दे क्वालिफाई एज मिनी रत्न कैटेगरी वन दे कैन इन्वेस्ट अप टू 500 करोर. नवरत्न, नवरत्न कैटेगरी ऑल सीपीएसईज विच हैव बीन मिनी रत्न फॉर थ्री कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, फॉर थ्री कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स दे कैन इन्वेस्ट अप टू 1000 करोर. दे कैन इन्वेस्ट अप टू 1000 करोर एंड कैन मेक अपॉइंटमेंट्स टिल जनरल मैनेजर लेवल एंड टेक ऑल ऑपरेशनल डिसीजंस. दे कैन अपॉइंट टिल जनरल मैनेजर एंड कैन टेक ऑल ऑपरेशनल डिसीजंस, यहां पर लिखा हुआ है. नेक्स्ट महारत्न, महारत्न कैटेगरी की बात करें, ऑल सीपीएसई विच हैव बीन नवरत्न फॉर थ्री कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, फॉर थ्री कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स दे कैन इन्वेस्ट अप टू 5000 करोर, अपॉइंट ऑल एक्सेप्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. यहां पे हमने देखा था दे कैन अपॉइंट टिल जनरल मैनेजर, यहां पे दे कैन अपॉइंट ऑल एक्सेप्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कैन एंटर इनटू फॉरेन कोलैबोरेशन, कैन टेक ऑल ऑपरेशनल डिसीजंस. रीजंस क्या होते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के या प्राइवेटाइजेशन के, हमने देखा था डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन द सेल ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स इन पब्लिक एंटरप्राइज टू एनी अदर एंटरप्राइज और टू एनी इंडिविजुअल. पब्लिक सेक्टर फर्म्स अंडर और ओन्ड बाय गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर फर्म्स फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फॉर्म्ड अंडर सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. फिर हमने देखा पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, प्रोविजन ऑफ ऑटोनॉमी लाए, प्रोविजन ऑफ ऑटोनॉमी में क्या मिला हमको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन टेक देयर ओन डिसीजन विदाउट वेटिंग फॉर अप्रूवल. और क्या हमने देखा, एमओयू हमने देखा था बिटवीन सीपीएसई एंड कंसर्न मिनिस्ट्री रिगार्डिंग टारगेटेड प्राइस, आउटपुट, प्रॉफिट और सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स भी आप बोल सकते हैं. 1997 में नवरत्न कैटेगरी या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज को इंट्रोड्यूस किया बाय पी चिदम्बरम. 1997 में ही ड्यू टू कोलैप्स ऑफ गवर्नमेंट ये कंसेप्ट को थोड़ा सा रोक दिया गया एंड इट वॉज रिवाइव्ड अगेन in 2010 by government which classified companies into महारत्न, मिनी रत्न एंड नवरत्न. एक बार आप महारत्न के एग्जाम्पल्स भी जान लीजिए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, और क्या आ जाता है BPCL, गेल, CIL भी आ सकता है, सेल और IOCL, BHEL, कुछ एग्जाम्पल्स याद रख लें, HPCL भी आप लिख सकते हैं, ये सारे आ जाएंगे महारत्न कैटेगरी में. टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, माइनॉरिटी सेल, स्ट्रेटेजिक माइनॉरिटी सेल और प्राइवेटाइजेशन. माइनॉरिटी सेल में गवर्नमेंट शेयर इन द एंटरप्राइज आफ्टर डिसइन्वेस्टमेंट इज मोर देन 74% गवर्नमेंट के पास रहेंगे शेयर्स. स्ट्रेटेजिक माइनॉरिटी सेल, गवर्नमेंट शेयर इन पब्लिक सेक्टर लेस देन equal to 74% but greater than and equal to 51%. Why? For the purpose of transparency, to increase private investment. Privatization, when government shares in the company is below 50% and the managerial control has been transferred to private sector. Minority sale mein 74% shares government ke paas rahenge. Strategic minority sale mein less than equal to 74% but greater than equal to 51%. प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट शेयर इन द कंपनी इज बिलो 50% एंड द मैनेजेरियल कंट्रोल हैज बीन ट्रांसफर टू प्राइवेट सेक्टर. रीजंस क्या क्या हो सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के, टू रिलीज रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल फ्रॉम नॉन कोर एरियाज. कोर एरियाज क्या हो जाता है, तो ऑल इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक एरियाज फॉर गवर्नेंस एंड वेलफेयर, एग्जाम्पल रोड, इलेक्ट्रिसिटी, एडुकेशन, हेल्थ केयर. सो रिसोर्सेस को रिलीज करता है फ्रॉम नॉन कोर एरियाज. प्रोसीड्स और फंड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एंड फंडिंग द प्रोजेक्ट फॉर वेलफेयर. इट लीड्स टू लिस्टिंग और रजिस्टरिंग. प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट लीड्स टू लिस्टिंग और रजिस्टरिंग ऑफ कंपनीज ऑन स्टॉक मार्केट. उससे क्या बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी. Better equity of benefits, retail investors will gain as share values will rise. Signaling to the market, ये आप समझ लीजिए disinvestment, अरे यार disinvestment can be used
एज टू गिव सिग्नल्स टू द मार्केट रिगार्डिंग फ्यूचर डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, कि आगे गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेने वाली है उसका सिग्नल दे सकते हैं हम डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा, विच अलाउज द मार्केट टू अश्योर दैट दे कैन एडजस्ट इन एडवांस, कॉल्ड सिग्नलिंग टू द मार्केट रिगार्डिंग फ्यूचर डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, इसका सिग्नल देना मार्केट में ताकि वो मार्केट एडजस्ट हो सके. सो सिग्नलिंग टू द मार्केट. Reasons for disinvestment privatization: release of resources, proceeds can be used for developmental and welfare activities, listing हो जाता है और registering हो जाता है companies का on stock market जिससे transparency बढ़ती है, better equity of benefits, signaling to the market. So कुछ disadvantages हैं और कुछ solutions मैं आपको बता देता हूँ disinvestment के. पहला है undervalued price. हो सकता है पब्लिक कंपनी, जो भी हम लोग पब्लिक सेक्टर कंपनी हम सेल करना चाहते हैं, वो अंडर वैल्यूड प्राइस में हमको सेल करनी पड़े. सो इससे क्या होगा? लॉस ऑफ पब्लिक असेट, लॉस ऑफ पब्लिक एक्सचेकर. सो इसका सॉल्यूशन क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म हमको अपॉइंट करना चाहिए जो करेगा रियल वैल्यूएशन ऑफ असेट, एक मिनिमम प्राइस सेट कर देगा, इससे नीचे तो हमको सेल नहीं करना है करके. सेकेंड इज सोशल सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स, जो वहाँ 10 सालों से 15 सालों से काम कर रहे हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी का क्या. नेक्स्ट, फ्रॉम अप्रैल 2016 गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड दीपम, दीपम डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपको याद रखना पड़ेगा. दीपम क्रिएटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2016. दीपम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑन सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर शेयर, कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू इम्प्रूव पब्लिक एसेट्स लाइक लैंड वाटर. सो इसमें आ जाता है आत्मनिर्भर भारत, दैट सेज ग्रेजुअली नो इंडस्ट्रीज विल बी रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, ग्रेजुअली नो इंडस्ट्रीज विल बी रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर. दे आर प्लानिंग दैट दे विल हैव नो प्रेजेंस ऑन पब्लिक सेक्टर इन नॉन कोर और नॉन स्ट्रैटेजिक एरियाज, सिर्फ स्ट्रैटेजिक एरियाज पर ही गवर्नमेंट अपना ध्यान देना चाहती है. सो गवर्नमेंट क्लैरिफाइड ग्रेजुअली नो इंडस्ट्रीज विल बी रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर. NAMP नेशनल असेट मोनिटाइजेशन पाइपलाइन, इट इज अ प्रोग्राम टू लीज आउट पब्लिक असेट्स लाइक रोड्स, रेलवेज एंड रेलवे प्लेटफॉर्म्स. इसमें क्या होगा? अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड कलेक्शन ऑफ फी एंड टोल चार्जेस फॉर प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम. दे विल पे द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट एनुअली फॉर यूजिंग दिस रिसोर्सेज. सो इसके कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ चैलेंजेस होंगे, है ना. NAMP के हम बात कर रहे हैं, कुछ बेनिफिट्स होंगे. बेनिफिट्स लाइक इट विल क्रिएट रेगुलर फ्लो ऑफ फंड्स विदाउट लूजिंग एनी ओनरशिप. NAMP में क्या कर रहे थे हम? टू लीज आउट पब्लिक एसेट, पब्लिक एसेट को लीज आउट कर रहे थे, रोड्स को, रेलवेज को, प्लेटफॉर्म्स को. उससे क्या होगा? अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक सेक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस, रिपेयर और कलेक्शन ऑफ फी एंड टोल चार्जेस. सारा काम मेंटेनेंस वगैरह का प्राइवेट सेक्टर करेंगे और एक प्री डिटरमाइंड चार्ज पे करेंगे, एक प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए. दे विल पे द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट एनुअली फॉर यूजिंग दिस रिसोर्सेज. वो गवर्नमेंट को अपने कुछ प्रॉफिट देगा या कुछ शेयर देगा. सो इससे क्या होगा? एक रेगुलर फ्लो ऑफ फंड क्रिएट हो जाएगा गवर्नमेंट के पास विदाउट लूजिंग ओनरशिप. ये हो गया पहला बेनिफिट. दूसरा बेनिफिट क्या क्या हो सकता है, इसको आप एक ब्रॉडर वे में डिसइन्वेस्टमेंट के भी बेनिफिट्स में लिख सकते हैं या प्राइवेटाइजेशन के बेनिफिट्स में भी आप इसको डाल सकते हैं. ये हम अभी पढ़ रहे हैं NAMP के कुछ बेनिफिट्स और चैलेंजेस. और क्या क्या हो सकता है? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. एग्जांपल के तौर पे आप ये बोल सकते हैं कि पोर्ट एरियाज जो हैं, एयरपोर्ट्स जो हैं, वो ज़्यादा कंप्लीटली यूज में नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड पुअर मेंटेनेंस, है ना. और क्या क्या हो सकता है बेनिफिट? सो इससे क्या होगा? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो जाएगा कि कुछ चीज़ें हम प्राइवेट सेक्टर्स को भी दे दें कि आप इस पे काम करिए. और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं?
एक्सपेंशन ऑफ सर्विस, एक्सपेंशन ऑफ सर्विस होगा, राइट, बेटर यूटिलाइजेशन होगा, ज्यादा सप्लाई होगा, ज्यादा रेवेन्यू होगी, मोर एम्प्लॉयमेंट, मोर एफिशिएंसी, विच विल अलाउ मोर एक्सपेंशन। और क्या क्या चीजें हो सकती है? मोर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज भी इम्प्रूव होंगी, राइट, सच दैट देर इज अ कॉम्पिटिशन, एक कॉम्पिटिशन हो जाएगा टू अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स इन सेक्टर्स लाइक स्टेडियम, पोर्ट एरियाज, एयरपोर्ट्स, ऑयल पाइपलाइंस, ये सब चीज़ों में भी वो हो जाएगा क्या, ज़्यादा पार्टिसिपेशन। सो हमने कुछ चार चार बेनिफिट्स देखे। इट विल क्रिएट रेगुलर फ्लो ऑफ फंड विदाउट लूजिंग ओनरशिप, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मोर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्विसेज, एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज। कुछ चैलेंजेस NAMP के, इसको आप प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में भी लिख सकते हैं, लाइक कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, दूसरा क्या हो सकता है, डिप्रिवेशन ऑफ पुअर, और क्या हो सकता है, असेट्स मे गेट डिलैपिडेटेड। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मेंटेनेंस क्लॉज या रिपेयर क्लॉज नहीं होगा, सो एक समय के बाद ये सारे असेट्स गवर्नमेंट के डिलैपिडेट हो जाएंगे, विच विल फाइनली लीड टू लॉस ऑफ पब्लिक एक्सचेकर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ डिफेंस फैक्ट्रीज की। टिल 2021 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अंडर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड विच वॉज कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स, एम्यूनेशंस, कॉम्पोनेंट्स, मिसाइल्स एंड ऑल्सो फॉर R&D। कुछ कमिटीज ने रिकमेंड भी किया कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ डिफेंस फैक्ट्रीज, लाइक TKS नायर कमिटी 2000, विजय केलकर कमिटी 2005 एंड वाइस एडमिरल रमन पुरी कमिटी 2015। फिर 2020 में कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA अप्रूव्ड दी कॉर्पोरेटाइजेशन, और उसके कारण बनी 7 न्यू डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू रन क्लस्टर ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स। पहले कितनी थी? 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अंडर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक्ट कंट्रोल बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 2020 कमिटी, कैबिनेट कमिटी अप्रूव्ड कॉर्पोरेटाइजेशन, उसके कारण 7 न्यू डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वर क्रिएटेड टू रन क्लस्टर ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तीन कमिटीज आपको याद रखनी है, TKS नायर 2000, विजय केलकर कमिटी 2005 एंड वाइस एडमिरल रमनपुरी कमिटी 2015। ये सब क्या है? फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन और डिफेंस फैक्ट्रीज के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन दिए। नेक्स्ट ये छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर कर लेते हैं, मैनुफैक्चरिंग डेवलपमेंट इन इंडिया। बेनिफिट्स क्या क्या हैं मैनुफैक्चरिंग डेवलपमेंट के? इंक्रीज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड क्वालिटी मैनुफैक्चरिंग गुड्स, जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, इम्प्रूव्स एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री, इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो गए। 2011 में NMP आपको याद रखना है, नेशनल मैनुफैक्चरिंग पॉलिसी, नेशनल मैनुफैक्चरिंग पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव क्या था? इंक्रीज द शेयर ऑफ मैनुफैक्चरिंग टू 25% ऑफ GDP बाय 2022, क्रिएट 100 मिलियन न्यू जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग, और क्या था, टेक्निकल कोएफिशिएंट बढ़ाना है टू इंप्रूव एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी। क्या बोला मैंने? इंक्रीज टेक्निकल कोएफिशिएंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू इंप्रूव एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी, और क्या करना है हमको, ट्रेन करना है वर्कर्स को। सो NMP के ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। In 2014, government launched Make in India. Make in India was to promote manufacturing development, developing plus developing through government support. और क्या क्या था? Government selected 25 industries to support through policy initiatives, जहां उनको मिलता था fiscal incentives, कुछ बेनिफिट्स, कुछ सब्सिडीज, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंटल इंसेंटिव्स, मार्केट इंसेंटिव्स भी उनको मिलता था। सो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया अंडर मेक इन इंडिया। और क्या थे? कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स या सप्लाई साइड रिफॉर्म्स, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, हम कैसे सप्लाई बढ़ा सकते हैं किसी भी कमोडिटी की, बाय इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, जैसे रोड्स बनाएंगे जिसमें ट्रक चलेगी,
अच्छे रोड्स में ट्रक चलेगी तो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी, और क्या होगा, ट्रक पर मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगा, सो इससे क्या मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा, ऐसे करते करते चीज़ें अच्छी हो जाएगी। इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नवंबर 2017 में लॉजिस्टिक सेक्टर हैज़ बीन गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस। और क्या क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट सेट्स प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट फॉर द फर्म्स एंड इफ द फर्म्स अचीव्स इट इन अ गिवन टाइम फ्रेम गवर्नमेंट विल गिव दम कैश सब्सिडी ऑफ अप टू 4 to 6% ऑफ टोटल रेवेन्यू। दिस इज डन टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, एनकरेज डोमेस्टिक मैनुफैक्चरिंग यूनिट एंड मेक इन इंडिया एन इम्पॉर्टेंट ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग हब। ठीक है, ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग हब हमको बनाना है इंडिया को, इसके लिए हमको कुछ पॉलिसीज लाने पड़ेंगे जिससे क्या होगा, एनकरेज होंगे डोमेस्टिक मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में। सो उसके लिए हम लोग लाए हैं PLI। और क्या क्या हो सकता है PLI के फायदे, इट ऑल्सो प्रमोट्स एफिशिएंसी, याद रखें, इट ऑल्सो हैज सनसेट क्लॉज। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ टैक्स बेनिफिट्स, एग्जाम्पल लाइक रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स फॉर न्यू एंटरप्राइजेस एस्टैब्लिश्ड आफ्टर 3 October 2019 फ्रॉम 30% to 15%। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड GST वाई टू इम्प्रूव और टू ब्रिंग एफिशियंसी इन इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। और क्या हो सकता है, स्पेशल पैकेजेस फॉर सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, मित्र स्कीम, क्या हो सकता है, बेटर सोशल सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करना और प्रमोट करना MSMEs को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लेजिस्लेटिव सपोर्ट। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक और बार बता दूं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट इन इंडिया, इसको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, स्टेप्स क्या लेने चाहिए, बेनिफिट्स तो हमने देख लिए, स्टेप्स क्या लेने चाहिए, NMP देखा हमने 2011, 2014 में मेक इन इंडिया, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाइक इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिकल सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिल चुका है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एनकरेज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन ऑफ टैक्स बेनिफिट GST, रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स, स्पेशल पैकेजेस फॉर सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, मित्र स्कीम बताया मैंने, और क्या बताया, और क्या, प्रमोटिंग MSME, बेटर सोशल सिक्योरिटी, लेजिस्लेटिव सपोर्ट्स लाइक पासिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट टू मेक इट ईजियर टू रिजॉल्व बैंक्रप्सी, NIMZ, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, देर विल बी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप। एग्जाम्पल के तौर पर आप भिलाई को याद कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में भिलाई, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप। यहां हमको देखने को मिलेगा सिंगल विंडो क्लियरेंस थ्रू NIMZ बोर्ड, दे विल फॉलो क्लस्टर्ड अप्रोच डेवलपिंग सिमिलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री सो दैट दे कैन सपोर्ट ईच अदर। और साथ में क्या किया जाएगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स प्रमोट किए जाएंगे, एग्जाम्पल दिल्ली मुंबई चेन्नई बेंगलुरु। सो हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट इन इंडिया। और फर्दर स्टेप्स क्या ले सकते हैं, हमने देखा NMP, मेक इन इंडिया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स देखे हमने, फर्दर स्टेप्स क्या हो सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन लॉजिस्टिक कॉस्ट है 6%, इंडिया में 14%, इम्प्रूवमेंट इन रूल्स ऑन एनवायरमेंट, क्लैरिटी ऑन प्रोसेस एंड सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है हमको, राइट, बेटर सिक्योरिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फ्लेक्सिबिलिटी इन इनपुट मार्केट, प्रमोटिंग लैंड एक्विजिशन फ्लेक्सिबिलिटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करना है, इम्प्रूवमेंट इज नीडेड इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए हमें, राइट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कॉन्ट्रीब्यूट 28% टू इंडियाज GDP, 18% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स और 40% टू नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट। Even before 1947, India had several small-scale industries like khadi, textile, toys, handicraft. अब हम बात करेंगे SSE की,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस की, SSI भी बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। अभी हमको पता नहीं है कि कुछ मिडिल नाम की चीज़ होती है या मीडियम नाम की कोई चीज़ होती है। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कुछ स्टेप्स लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सीटो, एस्टैब्लिश्ड इन 1953 टू मेक ऑल पॉलिसीज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एस्टैब्लिश्ड सीटो। इन 1973 इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट सेंसस फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड एंसिलरी यूनिट्स। सो बाय 1974 अराउंड 300 कमोडिटीज वेर एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर प्रोडक्शन ओनली बाय SSIs। इट वॉज इंक्रीज्ड फर्दर टू मोर देन 800 कमोडिटीज टू बी एक्सक्लूसिवली प्रोड्यूस्ड बाय SSIs। उसके बाद आफ्टर 1991 क्या हुआ, 1973 में फर्स्ट सेंसेस हुआ SSI का और एंसिलरी यूनिट्स का, 1974 में कमोडिटीज़ को रिजर्व कर दिया गया, 300 कमोडिटीज वेयर रिजर्व, और उसके बाद थोड़े दिन कुछ समय बाद 800 कमोडिटीज वेयर रिजर्व फॉर प्रोडक्शन बाय SSIs। आफ्टर 1991 क्या हुआ, दिस 800 कमोडिटीज वेयर रिड्यूस्ड। व्हाई? बिकॉज इट डिस्करेज्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फ्रॉम एक्सपैंडिंग एंड इंक्रीजिंग देयर साइज बिकॉज दे वर स्केयर्ड ऑफ लूजिंग बेनिफिट्स, राइट? इट क्रिएटेड ड्वार्फ फर्म्स। ड्वार्फ फर्म्स मतलब ये इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में मेंशन था ड्वार्फ फर्म्स। इसका मतलब होता है फर्म्स विच आर वेरी ओल्ड एंड डज नॉट क्रिएट एनी एम्प्लॉयमेंट एंड डज नॉट हैव एनी एफिशियंसी। ड्वार्फ फर्म्स आर दोज विच आर वेरी ओल्ड एंड डजंट क्रिएट एनी एम्प्लॉयमेंट एंड डज नॉट हैव एनी एफिशियंसी। इट क्रिएटेड ड्वार्फ फर्म्स, है ना, उसको हमने देख लिया। नेक्स्ट इज मेनी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव सेट अप देयर स्मॉल स्केल वेंचर्स बाय चेंजिंग ओनरशिप। ब्राइबरी और नेपोटिज्म को भी प्रमोट कर रहा था, लॉबिंग बढ़ गई, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट रेस्ट्रिक्टेड द फोकस ऑफ फर्म्स ऑन क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड कॉस्ट कटिंग। वो सब लोग ये सब चीज़ों के लिए ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। 2005-06 में हमको पता चला कुछ मिडिल नाम की चीज़ हो सकती है या कुछ मीडियम नाम की चीज़ हो सकती है, सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही नहीं होंगी। और एक और रीज़न था टू गिव स्कोप फॉर एक्सपेंशन, इसीलिए इसको रीनेम कर दिया गया SSI को टू MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो लेट्स टॉक अबाउट सम इश्यूज फेस्ड बाय माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। वेरी स्मॉल साइज, टोटल 6 करोड़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जिसमें से 99% आर माइक्रो, 0.7% आर स्मॉल एंड 0.3% आर मीडियम। एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट करता है ये, 11 करोड़। वेरी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है, है ना, विच लीड्स टू हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट प्लस पुअर स्टोरेज। व्हाट इट लीड्स टू, इट लीड्स टू वेस्टेज। वेस्टेज होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट नहीं होता, राइट? पुअरली ट्रेन्ड वर्कर्स, और आप ये भी लिख सकते हैं कि लैक ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, है ना, लैक करता है प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। पुअर क्रेडिट अवेलेबिलिटी, मोर देन 50% MSME स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल लोन्स। पुअर ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटी, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, इट लीड्स टू रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट कैपेसिटी। ये सब कुछ इश्यूज थे फेस्ड बाय MSME। सो लेट्स टॉक अबाउट सम स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू हेल्प MSMEs। सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस एज अ पार्ट ऑफ MSME। बेनिफिट्स ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक टू MSMEs टू। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक टू MSMEs टू। इंट्रोड्यूसिंग हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग टर्न ओवर एज अ क्राइटेरिया विच हेल्प्स मोर फर्म्स टू गेट क्लासिफाइड एज MSME। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, प्रोविजन ऑफ 3 लाख करोड़ विच वॉज लेटर एक्सटेंडेड टू 5 लाख करोड़ इन 2022 बजट टू गिव लोन्स टू MSME बाय गिविंग अ गारंटी ऑन दोज लोन्स विच विल अलाउ बैंक्स टू गिव कोलैटरल फ्री लोन्स।
गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया, ऑल टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स अप टू 200 करोड़ विल बी लिमिटेड ओनली टू डोमेस्टिक कंपनीज, नो ग्लोबल कॉम्पिटिशन इन दिस प्रोजेक्ट फॉर MSME. ऑल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैज टू क्लियर द ड्यूज ऑफ MSME विद इन 45 डेज. ऑल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैज टू क्लियर ड्यूज ऑफ MSME विद इन 45 डेज. क्यों? ताकि कैश अवेलेबिलिटी या लिक्विडिटी बनी रहे. सिस्टम ऑफ रैम्प RAMP टू ग्रेड द परफॉर्मेंस ऑफ MSME. रैम्प 2015 में मुद्रा स्कीम टू गिव फाइनेंस टू MSME हैविंग वेरी लो लेवल ऑफ कैपिटल. शिशु अप टू 50,000, किशोर अप टू 5 लाख एंड तरुण अप टू 10 लाख. इन 2015 एंड 16 गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड पॉलिसी ऑफ ग्लोबल सर्टिफिकेशन, जो हमको यहाँ पे देखने को मिला था, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन. 2015 और 16 में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस पॉलिसी ऑफ ग्लोबल सर्टिफिकेशन अरेंजमेंट फॉर MSME अंडर जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट पॉलिसी. इफेक्ट इसके अंडर काम किया जाएगा बेटर लॉजिस्टिक सपोर्ट पर और इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना है हमको और इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. नेक्स्ट, इंडियाज ग्रोथ हैज बीन सर्विस लेड. सो इंडियाज GDP वॉज डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चर इन 1951. इट कॉन्ट्रीब्यूटेड 53% टू GDP. एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ आफ्टर इंडिपेंडेंस लेड टू इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम 17% टू 28% बाय 1991. But after that, the share of industry stagnated and service sector grew to contribute more than 50% of GDP, that is 54%. So, हमने देखा GDP was dominated by agriculture in 1951. 1951 में agriculture dominated the GDP by contributing 53%. उसके बाद क्या हुआ? Industrial development हुआ, which contributed 17% टू GDP, 28% बढ़कर वो हो गया बाय 1991. उसके बाद क्या हुआ? इट स्टेग्नेटेड. इंडस्ट्री के स्टेग्नेट होने के बाद 1991 से LPG रिफॉर्म आए और सर्विस सेक्टर नाउ कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर देन 50% टू इंडियाज GDP. सो यही हुआ था मोटा मोटा. Industrial growth after independence led to increasing the share of industry 17% to 28% by 1991. फिर उसके बाद ये stagnate हो गया. Stagnation के reasons देख लेते हैं. यहाँ हमने देखा था poor infrastructural support, इसीलिए manufacturing, logistic cost बढ़ जाता है अगर infrastructure अच्छा नहीं होता तो. Insolvency resolution laws का मतलब ये है, ease of doing business कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपके पैसे वहां लग जाते हैं. एंट्री प्लस एग्जिट में दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे परमिशंस आपको लेने पड़ते हैं अलग अलग जगहों से. सो इसीलिए पुअर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन लॉ के कारण और लैक ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस के कारण क्या हो रहा था? स्टेग्नेट हो रहा था इंडस्ट्रीज का ग्रोथ. वेरी रिजिड लेबर लॉज एंड लैंड एक्विजिशन लॉज कंबाइंड विथ पुअर ट्रेनिंग थी वर्कफोर्स की टू क्वालिफाई एज इंडस्ट्रियल लेबर. इट लेड टू एडॉप्शन ऑफ कॉस्टलियर कैपिटल. क्या होता था इसके कारण? पुअर ट्रेनिंग हुई है तो इसके कारण क्या होता था? इट लेड टू एडॉप्शन ऑफ कॉस्टलियर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड दस अगर आप इतना कैपिटल यहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट तो कम होगा ही ना. इट रिमेन्ड लेस कॉम्पिटिटिव. उसके बाद कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम एंड लीगल मैकेनिज्म रिगार्डिंग कॉर्पोरेट लॉज, ये भी एक रीजन था. इट डिस्करेज्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अभी तक हमने पूरा अब तक क्या देख लिया? हमने शुरू किया था कहां से? शुरू किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. LPG रिफॉर्म्स हम देख रहे थे. लिबरलाइजेशन हमने देखा, सिंप्लीफिकेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कंट्रोल बाय गवर्नमेंट. इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन, यार पीछे बहुत आवाज़ आ रही है पर क्या कर सकते हैं. इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन हमने देखा, इसमें याद रखना है MRTP वॉज रिप्लेस बाय कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002. उदय कोटक कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए. फेरा वॉज रिप्लेस बाय फेमा.
फिस्कल लिबरलाइजेशन हमने देखा, टैक्स रेशियो वॉज रिड्यूस फॉर बोथ इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, एक्सटर्नल मार्केट लिबरलाइजेशन, एक्सचेंज रेट रिफॉर्म्स लाए गए LERMS, और उसके बाद 1994 में इंडिया शिफ्टेड एंटायरली टू फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, इसमें आपको याद रखना है इंडिया हैज पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। गवर्नमेंट रिड्यूस्ड इम्पोर्ट ड्यूटी और इंडियन प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट रिड्यूस्ड इम्पोर्ट ड्यूटी, और इसमें याद रखना है कि इंडियन प्रोड्यूसर्स प्रोटेक्शन वॉज टेकन अवे बाय रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी, बट प्रोटेक्शन वॉज प्रोवाइडेड बाय इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट को बढ़ा दिया गया था भले ही इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई थी। फिर हमने देखा प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट, दैट इज सेल ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स, पब्लिक सेक्टर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ऑल दोज यूनिट्स ओन्ड बाय गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, दोज सब पब्लिक सेक्टर फर्म्स फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट, इसमें अप्रूवल, पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फॉर्म्ड अंडर सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत पड़ती है फॉर एनी चेंज टू अकर। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स हमने देखे, प्रोविजन ऑफ ऑटोनॉमी दी जाएगी, मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना की कैटेगरीज हमने देखे, टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट क्या क्या होता है, माइनॉरिटी सेल, स्ट्रेटेजिक एंड प्राइवेटाइजेशन, रीजंस क्या क्या थे हमने देखे, टू रिलीज रिसोर्सेज फ्रॉम नॉन कोर एरियाज, प्रोसीड्स और फंड्स को यूज करना है फॉर वेलफेयर एंड फंडिंग प्रोजेक्ट्स, इट लीड्स टू लिस्टिंग और रजिस्टरिंग ऑफ कंपनीज ऑन स्टॉक मार्केट जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, बेटर इक्विटी ऑफ बेनिफिट्स और सिग्नलिंग टू द मार्केट रिगार्डिंग फ्यूचर डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, ये हमने देखा। फिर 2016 में गवर्नमेंट क्रिएटेड दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर एडवाइसिंग गवर्नमेंट ऑन सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड डिसइन्वेस्टमेंट। आत्मनिर्भर भारत ग्रेजुअली, आत्मनिर्भर भारत कहता है ग्रेजुअली देर विल बी नो इंडस्ट्रीज विच विल बी रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, सारों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, ऐसा टाइप का कहना था। NAMP नेशनल असेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन टू लीज आउट पब्लिक असेट्स लाइक रोड्स, रेलवे लाइंस, रेलवे प्लेटफॉर्म्स। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ डिफेंस फैक्ट्रीज हमने देखा, पहले 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हुआ करते थे, उसके बाद 2020 में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA अप्रूव्ड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ डिफेंस फैक्ट्रीज, और उसके बाद बन गए 7 न्यू डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू रन क्लस्टर ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट। फिर हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट इन इंडिया, उसे कुछ बेनिफिट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट के, जैसे इंक्रीज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस। स्टेप्स हमने देखे NMP नेशनल मैनुफैक्चरिंग पॉलिसी, फिर हमने देखा गवर्नमेंट लॉन्च्ड मेक इन इंडिया इन 2014, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए गए जैसे इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोविजन ऑफ टैक्स बेनिफिट, स्पेशल पैकेजेस फॉर सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, मित्रा स्कीम लाया गया, लेजिस्लेटिव सपोर्ट दिया गया बाय पासिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट, NIMZ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन सेटअप किए गए दैट वर इंडस्ट्रियल टाउन्स, यहाँ सिंगल विंडो क्लियरेंस और क्लस्टर्ड अप्रोच फॉलो किया जाता था। और हमने क्या देखा और फर्दर स्टेप्स क्या थे, इंडिया स्पेंड 14% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन लॉजिस्टिक्स, चाइना सिर्फ 6% करता है, बेटर सिक्योरिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमको करना है, फ्लेक्सिबिलिटी इन इनपुट मार्केट, प्रमोटिंग लैंड एक्विजिशन फ्लेक्सिबिलिटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमको प्रमोट करना है, इंप्रूवमेंट इज नीडेड इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जहां हमको मोर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। और क्या हमने देखा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस 28% टू इंडिया GDP में कंट्रीब्यूट करता है, 18% टू टोटल एक्सपोर्ट एंड 40% टू नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट, इट इज मेनली कंसंट्रेटेड इन कंज्यूमर गुड्स सेक्टर। स्टेप्स क्या क्या टेकन किए गए थे फॉर SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन CITO वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1953। 1973 में इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट सेंसस फॉर SSI एंड एंसिलियरी यूनिट्स, और 1974 में एक्सक्लूसिवली 300 commodities were exclusively reserved for production only by SSI. It was increased to more than 800 commodities later. And after 1991, it was reduced. 800 commodities were reduced. Why? Because it discouraged small-scale industries or firms from expanding. It created dwarf firms, jo employment ab generate nahi karte hain. Efficiency khatam ho chuki hai. Many large-scale industries have set up their small-scale ventures by changing ownership. ब्राइबरी, नेपोटिज्म और लॉबिंग को भी प्रमोट कर रहा था। इट रिस्ट्रिक्टेड फोकस ऑफ फर्म्स ऑन क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड कॉस्ट कटिंग। फिर हमने देखा 2005 में हमको याद आया कुछ मिडिल नाम की भी चीज़ हो सकती है या मीडियम नाम की भी कुछ चीज़ हो सकती है, सो दे रीनेम्ड इट एज MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस टू गिव स्कोप फॉर एक्सपेंशन। कुछ इशू फेस कर रहे थे MSME जैसे वेरी स्मॉल साइज, टोटल 6.2 करोड़ MSME थे, 99% छोटे छोटे माइक्रो थे, 0.7% स्मॉल थे और 0.3% मीडियम थे, और एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट कर रहे थे, सिर्फ 11 करोड़। वेरी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है फॉर MSME।
पुअर ट्रेंड वर्कर्स हैं, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, पुअर क्रेडिट अवेलेबिलिटी, पुअर ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटी, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। कुछ स्टेप्स लिए गए हम देख लिए हैं, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मुद्रा स्कीम टू गिव फाइनेंस टू एमएसएमई हैविंग वेरी लो लेवल ऑफ कैपिटल, बेटर लॉजिस्टिक सपोर्ट हमको देना है, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें थोड़ी सी करनी है। उसके बाद 2015-16 में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस पॉलिसी ऑफ ग्लोबल सर्टिफिकेशन अरेंजमेंट फॉर एमएसएमई अंडर जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट पॉलिसी फॉर बेटर लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इंडियाज ग्रोथ हैज बीन सर्विस लेड, जीडीपी वॉज डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चर इन 1951, 53% ऑफ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमने देखा आफ्टर इंडिपेंडेंस लेड टू इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम 17% टू 28% बाय 1991, आफ्टर दैट इट स्टैग्नेटेड। ये सारे हमने रीजंस देखे। बात करते हैं कुछ रीजंस की फॉर हाई ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर, वेरी फास्ट एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इन इन्फो टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन इन फाइनेंशियल सेक्टर, लिबरलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ओपनिंग अप ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फॉर बोथ प्राइवेट एंड फॉरेन सेक्टर्स, लिबरलाइजेशन ऑफ टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग, इस टाइम पे इट हैड वेरी लार्ज इंक्रीज इन कस्टमर बेस और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा था, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, वेरी हाई ग्रोथ इन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, और इससे क्या हुआ, हाई टैक्स रेवेन्यू मिला। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ बेनिफिट्स की फॉर एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी, एब्जॉर्बिंग द ट्रेंड वर्कफोर्स, रिस्ट्रिक्ट्स ब्रेन ड्रेन, हेल्प्स इन अर्निंग एक्सपोर्ट इनकम एज सर्विस, प्रमोट्स हाई जीडीपी ग्रोथ। चैलेंजेस, इट वॉज नॉट लाइक मैनुफैक्चरिंग वॉज नॉट राइजिंग, है ना, ऐसा नहीं था कि मैनुफैक्चरिंग अब बढ़ नहीं रहा था, बट इट वॉज राइजिंग एट अ रिलेटिवली लेसर रेट कंपेयर टू सर्विस सेक्टर विच वॉज राइजिंग एट वेरी फास्ट पेस। कुछ चैलेंजेस थे विच वॉज फेस्ड बाय सर्विस सेक्टर, इट इज नॉट एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव फॉर सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कफोर्स, इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज एंड ऑल्सो अमंग स्किल्ड वर्कफोर्स, इट क्रिएट्स पॉलिसीज कॉम्प्लेसेंसी, इट क्रिएट्स हाई ग्रोथ इवन इफ इट इज नॉट एंटायरली इंक्लूसिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, सो ग्लोबलाइजेशन रिप्रेजेंट्स अ वेरी लार्ज स्केल इंक्रीज इन मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज इन ट्रेड, मूवमेंट ऑफ लेबर पीपल एंड मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर लीडिंग टू इंक्रीज्ड इंटरडिपेंडेंस। बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज वेर कैपिटलिस्ट कंट्रीज, दे रिस्ट्रिक्टेड देयर ट्रेड विद हाई इम्पोर्ट ड्यूटी एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज में आ जाते थे सोशलिस्ट कंट्रीज, दे डिडंट बिलीव इन ट्रेड, एग्जाम्पल है USSR। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज दे वर नॉन अलाइंड, एग्जाम्पल है इंडिया। दे वर वेरी पुअर टू ट्रेड एंड वी वर अफ्रेड टू ट्रेड बिकॉज ऑल वेयर कोलोनाइज्ड थ्रू ट्रेडिंग। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आ जाते हैं नॉन अलाइंड कंट्रीज। सो बाय 1960s हांगकॉन्ग, ताइवान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया, दे वर ऑल अमेरिकन अलाइज, दे शिफ्टेड टू एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ में दे शिफ्टेड, दैट मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ लोअर एंड कमोडिटीज, यहां पर लिखा ही हुआ है लोअर एंड कमोडिटीज। दे वर कॉल्ड टाइगर इकोनॉमीज और ईस्ट एशियन टाइगर्स as the growth rate was so fast that was never seen before. So हमने क्या देखा 1960s में हांगकॉन्ग, ताइवान, सिंगापुर एंड कोरिया, दे स्टार्टेड और दे शिफ्टेड टू एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, दैट मीन्स लोअर एंड कमोडिटीज में ट्रेड करना। फिर क्या हुआ, दे वर कॉल्ड टाइगर इकोनॉमीज और ईस्ट एशियन टाइगर्स बिकॉज ऐसी ग्रोथ कभी हमको पहले देखने को नहीं मिली थी। 1970s हमको देखने को मिला इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड एंड फिलीपींस joined tiger economies, they also shifted to export led growth, they were now known as tiger club economies. So by 1981 86% of global investment flow were restricted to only movement among developed countries. Between 1989 to 1992 Washington consensus was adopted, it was neoliberal movement, a global conference was called for future development of world, it was decided that the world should focus on less government intervention in economy, promoting domestic and international trade, promoting easier movement of investment, permission to market forces in economy, less level of taxation and allowing private property. Phir aaya second phase of globalization. First phase of globalization ka time period tha 1830 to 1912. Ye tha first phase of globalization. फिर क्या हो गया था, फेज ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन आया था बिटवीन
1914 टू 1919 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी। फिर क्या हुआ, 1939 से 1945 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली थी और उसके बाद 1945 से शुरू हो गया था कोल्ड वॉर, राइट। सो अब हम देख रहे हैं सेकेंड फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट फेज मैंने क्या बताया था, 1832 1912, ये था फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज आया 1990 टू 1991 में। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए, क्या बेनिफिट्स रहे, एक्सेसिबिलिटी टू चीपर सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, चीप वर्कफोर्स, लार्ज मार्केट्स। डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए में हमने क्या देखा, दे गॉट लार्ज फंड्स टू मीट देयर सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप। और मैंने आपको एक जगह बताया था कि FDI कैन बी कंसिडर्ड टू फिल सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप। और क्या था, बेटर टेक्नोलॉजी मिलेगी डेवलपिंग इकोनॉमीज को। हमको देखने को मिलता है वास्ट इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, विच लेड टू रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन इंडस्ट्री। दिस ऑल्सो लेड टू ग्रोथ ऑफ डिमांड अक्रॉस कंट्रीज एज कमोडिटीज, फैशन, कल्चर स्टार्टेड इंटरमिंगलिंग, विच क्रिएटेड पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ ग्लोबल लार्ज स्केल मार्केट। हमको देखने को मिलता है वेरी लार्ज गेन्स मेड इन फाइनेंशियल सेक्टर, वेयर इन्वेस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल असेट्स पिक्ड अप एज दे कुड बी शिफ्टेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। दे क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी ऑफ हायर रिटर्न्स विद पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन फॉर इन्वेस्टर्स। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मतलब इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट्स, इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट वर द रीजंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट रीजन इज सब प्राइम क्राइसिस ऑफ 2008। सब प्राइम लोन्स के कारण हुआ था, लोन्स गिवन मेनी टाइम्स विद सेम असेट एज सिक्योरिटी। US इकोनॉमी वॉज बूमिंग, हाउसिंग prices, अदर कमोडिटी prices एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हमको देखने को मिल रही थी। सो उसके कारण हमको क्या देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लेशन। US इकोनॉमी वॉज बूमिंग, उसके कारण क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया। फिर हमको देखने को मिला फेडरल रिजर्व जो था उसने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, विच लेड टू सीरीज ऑफ लोन डिफॉल्ट एंड इट ऑल्सो लेड टू कंटेजियन इफेक्ट। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, स्टॉक वैल्यू क्रैश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। हमने क्या देखा, सब प्राइम क्राइसिस ऑफ 2008 सब प्राइम लोन्स की वजह से हुआ था, इसीलिए इसको नाम भी पड़ा सब प्राइम क्राइसिस। लोन्स वेर गिवन मेनी टाइम्स विद सेम असेट एज सिक्योरिटी। US इकोनॉमी वॉज बूमिंग, हाउसिंग prices, अदर कमोडिटी prices एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हमको देखने को मिला, उसके कारण बढ़ गया इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ा तो फेडरल रिजर्व ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इसके कारण क्या हुआ, सीरीज ऑफ लोन डिफॉल्ट। हमको देखने को मिला कंटेजियन इफेक्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, स्टॉक वैल्यू क्रैश ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे रीजन की, डिससेटिस्फैक्शन अमंग इंडस्ट्रियल वर्कर्स। सो क्या हो रहा था, इन डेवलप्ड कंट्रीज हमको देखने को मिलेगा, डेवलप्ड कंट्रीज में हमको देखने को मिलेगा जॉब लॉस। क्यों, ऑटोमेशन के कारण और इन्वेस्टमेंट वॉज शिफ्टिंग टू अदर कंट्रीज, आउटसोर्स कर रहे थे। इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर सेविंग टेक्नोलॉजीज विच लेड टू लेस एम्प्लॉयमेंट फॉर सेमी स्किल्ड वर्कर्स एंड अनस्किल्ड वर्कर्स भी बोल सकते हो, है ना। इट लेड टू लॉस ऑफ जॉब एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमंस और वर्कर्स बाय मशीन्स। लेबर सेविंग टेक्नोलॉजीज, ऑटोमेशन, ये सब चीज़ें चालू हो गई। सो इससे क्या हुआ, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स राइजिंग, गिग इकॉनमी। गिग इकॉनमी हम किसे कहते हैं, गिग इकॉनमी रेफर्स टू इकॉनमी बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स वेयर वर्कर्स हैव फ्रीडम टू चूज देयर वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग प्लेस एंड अमाउंट ऑफ वर्क दे वॉन्ट टू पुट इन, बट देयर इज नो सोशल सिक्योरिटी लाइक PF फॉर एक्सीडेंट, कंपनसेशन भी नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं है। सो एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं ओला ड्राइवर्स को या Zomato ड्राइवर्स को। और क्या क्या रीजन्स थे, डिससेटिस्फैक्शन अमंग
एग्रीकल्चरल कमोडिटी प्रोड्यूसर्स एंड फार्मर्स, लार्ज फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स हमको देखने को मिला, कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्टेड गुड्स हमको देखने को मिला, एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज ऑफ MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज, प्रीडेटरी प्राइसिंग अडॉप्ट करते थे वो, मतलब डिलिबरेटली प्राइसिंग वेरी लो टू एलिमिनेट द डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हमको देखने को मिला, BEPS, एस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, नाम से समझ सकते हैं इसमें क्या होता था, द बिजनेसेस शिफ्टेड देयर बिजनेस फ्रॉम हाई टैक्स कंट्रीज टू लो टैक्स कंट्रीज ओनली टू सेव टैक्सेस, उनको टैक्स अवॉइड करना था। तो क्या हुआ, इट रिजल्टेड इन MNC पेइंग लेस टैक्स वाइल टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री, इट इज नोन एज ट्रांसफर प्राइसिंग, paying less taxes while taking advantages of resources of a country, it is known as transfer pricing. हमको predatory pricing भी देखने को मिलेगा, ये रहा predatory pricing, deliberately pricing very low to eliminate domestic competition, over exploitation of resources. So these were some reasons जिसके कारण हमको globalization करना पड़ा। एक और बार हम देखते हैं क्या क्या reasons थे, subprime crisis, dissatisfaction among industrial workers, dissatisfaction among agricultural commodity and producers and farmers, exploitative policies of MNC. Last में क्या हुआ, BEPS 1 और Global Minimum Tax Decision के अंदर 15% अब हम इनको tax करते हैं। Next हम बात कर लेते हैं stagnation of India's export in last few years. Stagnation of India's export in last few years. India's export have increased at less than 5% per annum in last 6 years, which is lowest growth rate of export over any 5 years period after reform of 1992 के reform के बाद से। So इसके reasons क्या क्या हैं और steps क्या क्या लिए गए हैं, lack of diversification of export market and commodity basket, export market की बात करें, so 17% total export जाते हैं EU और 16% टोटल एक्सपोर्ट जाते हैं USA, कमोडिटी बास्केट की बात करें, सो 60% ऑफ टोटल कमोडिटी एक्सपोर्ट लिमिटेड ओनली टू 20 कमोडिटीज, इनवर्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, दैट मींस चार्जिंग हाई इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल्स एंड लो इंपोर्ट ड्यूटी ऑन फिनिश गुड्स, जैसे अगर आप आईफोन की बात करें तो उसका स्क्रीन आपको महंगा पड़ेगा, आप सोचेंगे कि उससे अच्छा तो नया फोन ही ले लूं मैं, है ना, स्क्रीन आप नई ओरिजिनल लगवाने जाएंगे तो आप बोलेंगे कि उससे अच्छा बेटर है कि नया फोन ले लिया जाए, इसको बोलते हैं इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर, चार्जिंग हाई इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल्स एंड लो इंपोर्ट ड्यूटी ऑन फिनिश गुड्स, लैक ऑफ एडाप्टेबिलिटी, वर्ल्ड हैज शिफ्टेड टू नॉन लेदर फुटवेयर, इंडिया स्टिल फोकसेस ऑन लेदर फुटवेयर, वर्ल्ड हैज शिफ्टेड टूवर्ड्स कमर्शियल टेक्सटाइल, इंडिया स्टिल यूजेस मैन मेड फाइबर, और क्या क्या रीजंस है, राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म विथ डी ग्लोबलाइजेशन, और क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, ये सारे रीजंस थे स्टेग्नेशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट के, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट एंड कमोडिटी बास्केट, इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर, लैक ऑफ एडाप्टेबिलिटी, राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म एंड ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन। व्हाट आर द स्टेप्स दैट वर टेकन फॉर बूस्टिंग इंडियाज एक्सपोर्ट, रोडटेप, remission of duty and taxes of export product, it says paying back all taxes that are paid by exporters which increases their working capital, it is WTO compliant, MEIS or SEIS, merchandise export through India scheme and service export from India scheme, these both are not WTO compliant, yaad rakhna, roadtep is WTO compliant and MEIS and SEIS are not WTO compliant. Next is government also introduced Niryat Rin Vikas Yojana to give subsidized credit to exporters. Zero effect, zero defect, that implies not damaging environment and maintaining qualitative superiority respectively. Zero effect and zero defect. Certification of MSME to help them from escaping non-tariff barriers. Government classified export market into category A, traditional markets, US and UK, category B, emerging markets, China, UAE, Singapore, category 3, other markets like Australia and Chile, for proper policy targeting, reducing logistic cost, हम क्या देख रहे हैं, एक और बार बता रहा हूँ, steps that are taken to boost India's export, हमने क्या क्या देख लिया,
रोडटेप WTO कंप्लाइंट है, MEIS और SEIS आर नॉट WTO कंप्लाइंट, निर्यात ऋण विकास योजना टू गिव सब्सिडाइज क्रेडिट टू एक्सपोर्टर्स, जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट, गवर्नमेंट क्लासिफाइड एक्सपोर्ट मेकर्स इनटू कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी, अदर स्टेप्स क्या क्या हैं, रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, मेक लेबर मार्केट एंड लैंड मार्केट मोर फ्लेक्सिबल, इम्प्रूव्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय ईजिंग एंट्री एंड एग्जिट और इंट्रोड्यूसिंग सिंगल विंडो क्लियरेंस, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बोथ कमोडिटीज एंड मार्केट ऑफ एक्सपोर्ट, जो हमने सबसे पहले चैलेंज देखा था, फास्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग की। प्लानिंग कमीशन की मैं बात करूं, सबको पता होगा इंडिया चोज मिक्स्ड इकोनॉमी विथ डोमिनेंस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस। प्लानिंग कमीशन वॉज सेट अप एज सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, सो इट डिसाइडेड द एलोकेशन ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू स्टेट गवर्नमेंट। हमको यहाँ पर देखने को मिलता है सेंट्रलाइजेशन, जो अच्छी चीज नहीं है, विथ प्राइम मिनिस्टर एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू एक्सेस ऑल द रिसोर्सेज, चूजिंग प्रोडक्शन टारगेट्स एंड यूटिलाइज रिसोर्सेज। इट वॉज रिस्पॉन्सिबल टू चूज एंड इम्प्लीमेंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम। कौन था रिस्पॉन्सिबल? प्लानिंग कमीशन। सेंट्रल सेक्टर स्कीम हम किसे कहते हैं? 100% फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हम किसे बोलते हैं? इसके फंड्स आर शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। आफ्टर 1991 रोल ऑफ प्लानिंग चेंज्ड। हमको देखने को मिला था LPG रिफॉर्म, क्या हुआ, द रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन चेंज्ड टू इंडिकेटिव प्लानिंग, राइजिंग रोल ऑफ मार्केट हमको देखने को मिलेगा, रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन बिकेम लेसर विथ राइजिंग रोल ऑफ मार्केट्स, सेंट्रलाइजिंग डिसीजन हमको देखने को मिलता था प्लानिंग कमीशन में, एंड मेनी स्टेट्स यूज्ड प्लानिंग कमीशन ऑफ बीइंग सेंट्रलाइज्ड, ऑल्सो डिस्करेज्ड फास्टर डिसीजन मेकिंग बिकॉज लार्ज कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। फिर आया नीति आयोग 2015 में। इट इज थिंक टैंक एंड इज डिसेंट्रलाइज्ड। इट एडवाइज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, दैट इज DIPAM, ऑन प्राइवेटाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म। इट हैज फेडरल कैरेक्टर, एज स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट एंड डिजाइन देयर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स। इट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल स्कीम। Now, Ministry of Finance will have jurisdiction. It will plan short-term 3 years and medium-term 8 years and long-term 15 years developmental strategies. It will be decentralized without any hierarchy. इसके कारण क्या होगा? Fast decision-making. So, हमने कवर कर लिया है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मनी एंड सेंट्रल बैंकिंग की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।